हेलो स्टूडेंट्स तो स्वागत है आपका ए एस कॉमर्स चैनल पर इकोनॉमिक्स विद विक्की शर्मा शो के अंदर लगातार स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे हैं सर एम सी की प्रैक्टिस करा दीजिए तो देखिए आज से आपके लिए एम सी क्यू की प्रैक्टिस स्टार्ट करा दी गई है और अब बड़े ध्यान से आपको समझना है आपको करना किस तरह से देखिए मैं आपके सामने एम सी क्वेश्चन लेके आ गया हूँ फर्स्ट क्वेश्चन हम रीड करेंगे फटाफट से आप वीडियो पे कमेंट यानी आपको अगर लग रहा है ना किसी को अगर लग रहा है कि मेरी बेस्ट तैयारी है तो वो टेस्ट कैसे करेगा इस चीज़ को कि हाँ मेरी बेस्ट तैयारी है या नहीं कोई भी माइक लाल है जो ये कहता है कि रूरल डेवलपमेंट की मेरी बेस्ट तैयारी हो चुकी है हमारे फ्रेंड्स ये क्वेश्चन हैं अगर आपने इनको सॉल्व कर दिया अगर आपने इनको सॉल्व कर दिया तो आपकी तैयारी बेस्ट है और अगर आप कहीं अटक गए तो आपकी तैयारी बेस्ट नहीं है तो ये टेस्ट सीरीज भी है यानी ये एम सी क्वेश्चन तो हैं लेकिन आपके लिए टेस्ट सीरीज भी है जैसे ही फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ेंगे पढ़ते ही आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है ऑप्शन कौन सा सही है उसके बाद में हम डिस्कस कर ही लेंगे कि ऑप्शन कौन सा सही है तो देखिए स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है एग्जाम का टाइम है देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो वो कह रहा है डैश इज द अपेक्स बॉडी विच कॉर्डिनेट्स द फंक्शनिंग ऑफ डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वर्किंग फॉर एक्सपेंशन ऑफ रूरल क्रेडिट तो देखिए डैश देख, अब कह रहा है नाबार्ड कह रहा है सेल्फ ग्रुप कर रहा है आर आर बीस कर रहा है और कमर्शियल बैंक कह रहा है देखिए की पे आइए क्या कह रहा है एपेक्स बॉडी अब जैसी बॉडी है हमें आंसर पता लग गया क्या लग गया नाबार्ड पहला आंसर है क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा सही है फर्स्ट जैसे ही मैं कह रहा हूं अगला क्वेश्चन पढ़िए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए इन रूरल बैंकिंग्स आर जो रूरल बैंक है वो कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस कर रहे थे ऑप्शन ए क्या कह रहा है इन सफिशियंट रूरल क्रेडिट ऑप्शन बी क्या कर रहा है ग्रोइंग ओवर ड्यूज

यानी गवर्नमेंट ने किए हैं इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ फाइनेंस क्यों करें टू प्रोवाइड एडुकेट क्रेडिट पर्याप्त क्रेडिट टू फार्मर्स एट चीपर इंटरेस्ट रेट तो बात सही है गवर्नमेंट ने इसलिए किए थे सेकंड देखते हैं टू असिस्ट स्मॉल फार्मर्स इन रेजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड मैक्सिमाइजिंग देयर इनकम यानी क्या टू असिस्ट स्मॉल जो स्मॉल फार्मर्स हैं उनकी उनको एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में लगाना है और मैक्सिमाइज करनी है उनकी इनकम ऑप्शन तो ए भी सही है ऑप्शन बी भी सही है फिर देखते हैं, सी कह रहा है ए एंड बी, यानी ये ये भी और ये भी, तो भी और रहा है, तो ऑप्शन सी थर्ड का हो गया ऑप्शन देखिए देखिए पढ़ते जाइए जल्दी जल्दी पढ़ते जाइए कमेंट करते जाइए आपको पता लग जाएगा आपकी तैयारी बेस्ट है या नहीं ओके वेस्ट सोर्स ऑफ माइक्रो फाइनेंस क्या करें स ऑफ माइक्रो फाइनेंस प्रोग्राम है फॉरमर इन टू ओवरऑल रूरल सोशल एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट तो माइक्रो फाइनेंस प्रोग्राम क्या था लोन्स प्रोवाइडेड बाई सेल्फ हेल्प ग्रुप नोन एज माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम क्या बताया था जब मैंने आपको पढ़ाया था क्या लोन प्रोवाइडेड बाई सेल्फ हेल्प ग्रुप नोन एज माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स ओके okay, जी फिर देखिए क्वेश्चन नंबर फाइव आपकी सीन पे आ चुका है वो कह रहा है नेम द स्टेट विच इज हेल्ड ए सक्सेस स्टोरी इन द एफिशिएंट इंप्लीमेंटेशन ऑफ मिल्क कोऑपरेटिव तो स्टेट बताना है आपको तो आपको बताया गुजरात में बहुत अच्छा काम हुआ था डेयरिंग के लिए ऑपरेशन फ्लड आया था ऑपरेशन फ्लड के अंदर ही काम हुआ था तो गुजरात स्टेट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नॉन अब देखिए यहां पर आपको क्या देखना है वो कह रहा है नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट

ऑप्शन डी इसका सही होगा क्योंकि ये सारे कैसे हैं ये ए बी और सी ये कैसे हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल हैं और वो क्या कर रहा है नॉट ए नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस तो क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है तो आ, अगर हम क्वेश्चन सिक्स की बात करें ऑप्शन डी हमारा सही है ऑप्शन डी हमारा सही है फिर देखिए सेवेंथ क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन फर्म एरिया ऑफ एम्प्लॉयमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन फर्म फर्म नहीं कह रहा नॉन फार्म एरिया ऑफ एम्प्लॉयमेंट लाइव स्टॉक फार्मिंग हॉर्टिकल्चर फिशरीज ऑल ऑफ दिस तो देखिए नॉन फार्म के अंदर लाइव स्टॉक भी आता है हॉर्टिकल्चर भी आता है फिशरीज भी आता है यानी सभी आते हैं ऑप्शन कौन सा सही हुआ डी फिर देखिए एट्थ क्वेश्चन किसकी बात करने पे आ गए हम क्वेश्चन की बात करने पे आ गए वाई इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस फिक्स बाय द गवर्नमेंट गवर्नमेंट में एमएसपी क्यों फिक्स किया है फॉर गवर्नमेंट ओन बेनिफिट टू सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स तो देखिए रहा है एमएसपी क्यों अनाउंस करता है सरकार क्योंकि वो फार्मर्स को उसके इंटरेस्ट को सेव करना चाहता है तो एर्थ का ऑप्शन कौन सा आ गया बी टू सेव गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स लगातार क्वेश्चन पढ़ के देखिए आप कह रहे हैं जब हम पूछते हैं आपसे कि चैप्टर तैयार है हाँ सर वीडियो देख ली चैप्टर तैयार है लेकिन तैयार है या नहीं कैसे पता लगेगा हमारे साथ साथ फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर करते जाइए कि हाँ इस क्वेश्चन का आंसर ये है और फिर उसके बाद में जब वीडियो पूरी कर देंगे अपने आंसर्स को टैली कीजिए अगर आपके आंसर 90 परसेंट से आ रहे हैं यानी आपने अच्छी तैयारी की है लेकिन आपके आंसर फिफ्टी परसेंट है यानी चैप्टर तैयार नहीं है दोबारा से आपको प्रैक्टिस दोबारा से आपको क्या करना होगा स्टडी करना होगा ये देखिए प्रैक्टिस मैं पहले भी कह चुका हूं वीडियो में कि क्या प्रैक्टिस बहुत जरूरी है आप जो भी स्टडी कर रहे हैं अगर उसकी प्रैक्टिस आपने नहीं की तो आपके नंबर आने वाले नहीं है एम सी क्यू फिलअप एस रीजन इमेजेस क्वेश्चन सबकी प्रैक्टिस बहुत मस्ट है और ये मैराथन स्टार्ट कर दी गई है आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराए जाने वाले हैं ओके

यानी आंसर क्या आएगा ऑल ऑफ दी सभी हैं ओके okay, जी क्वेश्चन नंबर इलेवन देखेगा ऑर्गेनिक फार्मिंग इज बेनिफिशियल बिकॉज ऑर्गेनिक फार्मिंग बेनिफिशियल है क्यों इट जनरेट इनकम सही बात है इट इज इट इज प्रोड्यूस इन एन एनवायरमेंटल सस्टेनेबल ठीक है यह बात भी सही है इट प्रोवाइड्स हेल्थी फूड यह भी बात सही है यानी तीनों ऑप्शन सही है यानी इलेवन का आ गया डी ओके okay, जी ट्वेल्थ क्वेश्चन देखते हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग डज नॉट कंप्राइज एग्रीकल्चर मार्केटिंग में क्या बात नहीं आती है नॉट कह रहा है वो नहीं है तो क्या कह रहा है ट्रांसपोर्टेशन आता है ग्रेडिंग आता है स्टोरेज देखो ट्रांसपोर्टेशन आता है ग्रेडिंग आता है स्टोरेज आता है क्रेडिट टेकन टू मीट एक्सपेंडिचर ये नहीं आता है यानी यही ऑप्शन सही है ट्वेल्थ ऑप्शन कौन सा सही हो गया डी अच्छा क्वेश्चन पीरियड बिटवीन डैश रेवोल्यूशन कौन सा जाना जाता है? तो आपको पता है, 1991 से नाम से, यानी का भी. अच्छा, सेल बाई सेल देखिए क्या होती है देखिए आपको पता है जो फार्मर है उसके पास पैसा नहीं होता है तो बैंक के पास जाता है और वो लोन लेता है अब क्या है क्योंकि लोन ले रखा है लोन को रिपे करना है तो जब उसकी फसल आ, फसल हो जाती है तो वो बहुत ही लो प्राइस के ऊपर उसको सेल करता है क्योंकि उसे लोन का पैसा देना है यानी क्या हो जाएगा डिस्ट्रेस सेल फार्मर्स, सेल फार्मर्स ऑफ क्रॉप देखिए देखिए इसका ऑप्शन डी सेल ऑफ क्रॉप एट ए वेरी पुअर प्राइस सेल ऑफ क्रॉप एट वेरी पुअर प्राइस डिस्ट्रेस सेल क्या होता है जिसमें फार्मर अपनी क्रॉप को बहुत ही कम प्राइस पे सेल करने के लिए तैयार हो जाता है देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं इस बार के एग्जाम में अनलाइक क्वेश्चन है वेरी 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 इंपॉर्टेंट वेरी 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 इंपॉर्टेंट है है ना डिस्ट्रेस सेल बाय द फार्मर्स क्या हो गया सेल ऑफ क्रॉप एट वेरी पुअर प्राइस सेल ऑफ क्रॉप एट वेरी पुअर प्राइस ओके जी फिर अगला क्वेश्चन देखिए फिफ्टींथ क्वेश्चन विच इज द फॉलोइंग इज नॉट ए बेनिफिट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या बेनिफिट नहीं है देखिए क्वेश्चन को ध्यान से क्यों पढ़ना है वो कह रहा है नॉट ए बेनिफिट बेनिफिट नहीं नॉट ए बेनिफिट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग चीपर इनपुट्स है है, 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 अच्छा ये 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 इसको शायद ये नहीं भी होगा, Greater import possibilities और देखिए पक्का चीपर इनपुट्स हो गया हायर न्यूट्रिशन वैल्यू हो गया और उसने कहा है, नॉट ए बेनिफिट बेनिफिट नहीं है हाँ जी, तो इसका आंसर होगा, 15th का C. क्योंकि अट्रैक्टिव रिटर्न इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगा चीपर इनपुट्स भी हो जाएगा हायर न्यूट्रिशन वैल्यू भी हो जाएगा तो देखिए ऑप्शन सी इसका सही आएगा क्योंकि ग्रेटर इंपोर्ट पॉसिबिलिटीज ऑर्गेनिक फार्मिंग में इम्पोर्ट नहीं करते हैं तो यही इसका ऑप्शन सही होगा यह इसका बेनिफिट नहीं है फिर सिक्सटीन क्वेश्चन देखिएगा इंडिया रैंक्स इन दर्ल्ड इंडिया रैंक्स डैश इन दर्ल्ड इन मिल्क प्रोडक्शन तो मिल्क प्रोडक्शन के अंदर आपको पता है इंडिया फर्स्ट पोजिशन पर आता है तो सिक्सटीन का ऑप्शन आ गया ए फिर नेशनलाइजेशन ऑफ कॉमर्शियल बैंक टू प्लेस इन

यानी सिंगल क्रॉप टू मल्टी क्रॉप सिंगल क्रॉप टू मल्टी क्रॉप और आपको पता है जब ऐसा हुआ था तो फूड ग्रेन से हम लोग शिफ्ट कर रहे थे कैश क्रॉप्स पे यानी पेनटीन का सही है सी ऑप्शन ओके जी ट्वेंटी देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज देखिये नॉन फार्म देखिए नॉन फार्म कह रहा है नॉन फार्म एरिया डेरिंग एनिमल स्पेंडरी देखिए डेरिंग भी है एनिमल स्पेंडरी भी है हॉर्टिकल्चर भी है ऑप्शन आ गया इसका सही डी इसका कौन सा सही होगा डी क्योंकि तीनों ही इसके अंदर आ रहे हैं फिर देखिएगा ट्वेंटी फर्स्ट क्वेश्चन कमेंट करके देखते जाओ मुझे पता है आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं बिकॉज आप हवा में उड़ रहे थे इतनी तैयारी अच्छी नहीं है इसलिए कमेंट करके जरूर बताना आपको है आपको कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है ट्वेंटी फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे लैंड डेवलपमेंट बैंक इज डैश सोर्स ऑफ रूरल क्रेडिट लैंड डेवलपमेंट कौन सा सोर्स है इंस्टीट्यूशनल है या नॉन इंस्टीट्यूशनल है तो सिंपल सी बात है लैंड डेवलपमेंट बैंक तो डियर इंस्टीट्यूशनल है ओके okay. इंडिया डैश अकाउंट फॉर द लार्जेस्ट शेयर पूछ रहा है इन द लाइव स्टॉक स्टॉक एनिमल हस्बेंड्री और इसका क्या हैल्चर हार्टीकल्चर है में क्या आता है पोल्ट्री हो गया नहीं आता एनिमल नहीं आता फ्लावर आ जाएगा फ्लावर आ जाएगा क्वेश्चन थ्री का सी हो गया वेरी गुड ट्वेंटी फोर्थ क्वेश्चन आ गया है नीड फॉर एग्रीकल्चर डायफे to to provide supplementary of employment, to enable people to earn higher levels of income, टू एनेबल पीपल टू अर्न हायर लेवल टू ओवरकम पॉर्टी सारी ही सही आ रही हैं, ऑप्शन सही आ चुका है पे फोर्थ का डी ओके okay जी फिर देखिए ट्वेंटी फिफ्थ क्वेश्चन विच ऑफ द रीजन फॉर डाइवर्सिफिकेशन क्यों किया गया देर इज अ ग्रेटर रिस्क ग्रेटर रिस्क था डिपेंडिंग ऑन एक्सक्लूसिवली ऑन फार्मिंग और लाइवलीहुड बिल्कुल सही है टू प्रोवाइड प्रोडक्टिव सस्टेबल लाइवलीप्शन आ गया सी बोथ ए एंड बी आंसर करते जाओ कमेंट करते जाओ बहुत तेजी के साथ यहां पर क्वेश्चन चल रहे हैं विच ऑफ दॉब्लम इज फेस्ड ठीक है ट्वेंटी सिक्स क्वेश्चन विच ऑफ दिन फिशिंग वेड अनएम्प्लॉयमेंट है एंड लो प्रोटिव इनकम है एबसेंस ऑफ मोबिलिटी ऑफ लेबर टू अदर सेक्टर्स यानी यहां के लोग अदर सेक्टर्स में नहीं जा रहे हैं बिल्कुल है हाई इलिटरेसी बिल्कुल है यानी ऑप्शन आ गया डी 26 का डी बिल्कुल करते जाएंगे प्रैक्टिस करते जाएंगे मैराथन चल रही है ऑपरेशन फ्लड फिर गया है ऑपरेशन फ्लड इज ऑल्सो नोन एज वाइट रेवोल्यूशन ट्वेंटी का सी फिर देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफेक्ट डिफेक्ट प्रॉब्लम की बात की जा रही है डिफेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग क्या डिफेक्ट है मैनिपुलेट मैनिपुलेशन मैनीपुलेशन बाईट स्टेटस इंफॉर्मेशन है, है यानी 28 का आ गया है सी 28 का आ गया सी माय बैंक फ्रेंड्स ओके जी फिर देखिए ट्वेंटी क्वेश्चन नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड सेट अप इन 1982 फिर एज एस दीधी बात है अपेक्स दिया गया है ऑप्शन आ गया बी देखिए लास्ट क्वेश्चन आ गया आज का बोरिंग टू जो सेल्फ हेल्प ग्रुप लोन्स दे रहा था वो किस परपज के लिए किए जा रहे थे कंजम्पन के लिए किए जा रहे थे हर सिलेबस से हर चैप्टर से आपके लिए ऐसे ही सीरीज आने वाला हूं एसर्शन रीजन पे एक बेहतरीन वीडियो बनने वाली है आपको डेली आना है चैनल पे और अपनी प्रैक्टिस देखनी है आपको लगता है मेरी प्रैक्टिस बेस्ट है हम आपको क्वेश्चन देंगे प्रैक्टिस देखिए बताइए आपकी तैयारी अच्छी है या नहीं अगर वीडियो अच्छी लगी है लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो क्योंकि हम बात कर रहे हैं ए एस डी चैनल की ए एस डी माने सो नंबर की तैयारी बेहतरीन तैयारी बाय